हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बिहार और वेस्ट बंगाल की बहुत ही फेमस स्वीट डिश, जिसका नाम है दूध पिट्ठी। बहुत ही कम चीजों के साथ बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है ये। आपको इसे बनाने के लिए बस तीन ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दूध पिट्ठी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में एक कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये पानी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं एक चुटकी नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप चावल का आटा। चावल के आटे और पानी की क्वांटिटी को हमें सेम रखना है। अगर चावल का आटा एक कप लिया है तो पानी भी एक कप लेना, और अगर आपको इसे कम या ज्यादा करना है तो उस हिसाब से ही पानी लेना। तो यहाँ पे मैंने चावल के आटे को डालने के बाद गैस को कर दिया है बंद। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पहले चावल के आटे को अच्छे से पानी में मिक्स कर ले, फिर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 3-4 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे गूंथ के इसका डो लगा लेंगे। गूंथने के लिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि इसे गूंथने में आसानी हो। चावल का आटा आपके हाथों में ना चिपके इसके लिए हाथों में थोड़ा सा तेल या फिर घी लगा लें। तो इसे मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसके बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो डो को इस तरह से तोड़ के पहले उसे बॉल जैसा शेप दे दे, फिर इसे उंगलियों के बीच दबा के इसे चपटा कर ले। तो ये देखिए, मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। बॉल्स बनाने के बाद इसे चपटा जरूर कर लेना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है जिसमें मैंने लिया है 2 कप दूध। मेजरमेंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 कप चावल के आटे के लिए 1 कप पानी और 2 कप दूध का हमें इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाने दें, तब तक इसे बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देखिए, हमारे दूध में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें हमने जो चावल के आटे के बॉल्स बना के रखे थे उसे डाल देंगे। इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5-7 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम में दूध के साथ पका लेंगे। तब तक इसे बीच बीच में चलाते रहें। पाँच से सात मिनट तक इसे पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। चीनी डालने के बाद इसे तुरंत ही मिक्स कर ले। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच कुटी हुई इलायची का पाउडर। ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहे तो इसे डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब बस इसे यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए पका ले। इसे हमें बहुत ज्यादा सुखाना नहीं है क्योंकि ये बाद में अपने आप ही सूख जाएगी। इसलिए अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और हमारी दूध पिट्ठी जो है वो बनके तैयार है। और ले चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वाली रेसिपी को एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिए। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।